इस फिल्म में एक फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर। और किरणा का मतलब जो किरणा मेन लीड जो लड़का है उसका उसके फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं अभी मेरी तीन फिल्में तो ऑलमोस्ट रिलीज पे हैं, एक और ये फिल्म आ गई है, और ये फिल्म अपने आप में उन सबसे डिफरेंट है, तो मुझे लगता है कि रेंज ऑफ सिनेमा मेरे लिए बढ़ जाएगा, और रेंज ऑफ मतलब जहाँ पे मैं लीडिंग रोल प्ले कर रहा हूँ और इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो अपने आप में आजकल की जो फिल्में बन रही हैं उसमें कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं लोग, लीडिंग रोल आजकल कोई प्ले नहीं कर रहा है एक्सेप्ट थ्री खान्स और थ्री बिग मेगा स्टार्स जो आज हैं। अदरवाइज देखा जाए तो आजकल हर कोई कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है, और मूवी अपने आप में एक मूवी ही एक्चुअल में हीरो हैं, और मूवी का सब्जेक्ट ही हीरो है फिल्म में, जो कि इस फिल्म में भी है जी। इसमें ऐसे ऐसे सीन्स हैं, ऐसे ऐसे शॉट हैं जो हमने सोचा है उस चीज़ को देखने के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि एक बच्चे से लेकर के बड़े तक इसमें है। जो मेरी पहली फिल्म थी आके जो असिस्टेंट डायरेक्टर विपुल शाह के साथ, मैंने काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर को असिस्ट किया है, और मैं इंडिपेंडेंट 2012 में मैं लॉन्च हो जाऊँ डायरेक्टर। इस फिल्म में मैं मुकेश जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रोड्यूसर से मिलकर मुझे लगा कि मुकेश की पहली फिल्म है, और मुकेश को मैं हर तरह से सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने अच्छे हैं कि जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो ना नहीं बोलते हैं। सुना इसमें एक गाना भी लिखा आपने, किस तरह जी सर? असल में क्या है कि मेलोडी सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, एक लाइन सुना दीजिए। तू ही मेरी आरजू, तू ही मेरी जुस्तजू, चाहत है मेरी यही, तू रहे उम्र भर साथ ही, तू मेरे मैं तेरे खीना। सर एक टाइटल सॉन्ग है। नमस्कार जी, जी हाँ, मैं संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन में से दिलीप सेन। आज मेरी 251वीं फिल्म का मुहूर्त है, टाइटल है क्रीना। जैसे अमूमन हर संगीतकार या हर कोई यही कहता है कि मेरी हर फिल्म का म्यूजिक हटके, मगर मैं ज़रूर इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि क्रीना फिल्म का जो संगीत मैंने दिया है, फिल्म का नाम है ज्योति बनाजवाला खामोश। क्रीना का मतलब है, मतलब कृष्णा से का ही एक अलग रूप है क्रीना, और इस फिल्म के जो हमारे हीरो हैं वो एक यंग वॉरियर हैं। इसमें बहुत सारे पैगाम हैं इस फिल्म में, सबसे बड़ा तो इंसानियत का पैगाम है कि हमेशा अच्छाई बुराई से जीतती है, ये हमेशा देखा गया है दुनिया में। और जहाँ बुराई की बात हो रही है, मैं यहाँ इसमें एक बुरे क्या कहते हैं कबीले का एक सरदार है, कहानी जंगल की है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है, और ये कबीले का सरदार है जो कि बहुत क्रूर है, जो मेरा किरदार है इसका नाम है चित्रा, और इसकी और क्रीना जो बच्चा है वो हमेशा क्रीना को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है सरदार के इसका अंत जो है वो बच्चा ही करेगा। तो ये इस तरह की फिल्म है, स्पेशल इफेक्ट की। हमारे नए प्रोड्यूसर हैं चौहान साहब, और डायरेक्टर नया है, यंग है मुकेश कुमार, टीम बहुत ही टेक्नीशियंस जो हैं सारे नए हैं, दिलीप सेन जी का म्यूज़िक है इस फिल्म में जो है। ये नेगेटिव कैरेक्टर इसलिए किया मैंने क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है, और वो बच्चे के साथ जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो कंस मामा और कृष्ण जी का जो कॉन्फ्लिक्ट था उस पर लूजली बेस्ड है। उस बिल्कुल ये इस उसमें मत रहिएगा कि ये वही कहानी है, बिल्कुल नहीं है। इसमें सारे दांव पेच अलग हैं, एक अलग पहलावों के साथ ये कहानी पेश की गई की जाएगी। इस कहानी पर बहुत काम किया गया, 4-5 साल से ये कहानी लिखी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाहुबली जितना बड़ा हमारा बजट तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि टेक्निकली उससे 19 ना हो पिक्चर। शाबाश भाई, आप दोनों तरफ इस टाइप पे बिजी हो, स्मॉल स्क्रीन पे और बिग स्क्रीन पे, तो एज ए आर्टिस्ट आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कहाँ पैसा मिल रहा है? देखिए, सेटिस्फेक्शन तो मुझे जब सेट पे मैं जाता हूँ, चाहे वो सीरियल हो चाहे फिल्म हो, दोनों तरफ मुझे बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है। पैसा जो है, देखिए पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं आया राम गया राम, तो पैसा आता भी है पैसा जाता भी है। ज़रूरी नहीं है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता,
मैं अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए हमेशा काम करता आया हूँ, करता रहूँगा हमेशा। और हर कलाकार यही है। पैसा तो ये यहाँ पे लिखा होता है नसीब में, जिसके नसीब में जितना पैसा लिखा है उतना ही आता है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है एक अदाकार, एक कलाकार के लिए, चाहे किसी भी तरह का हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, जो भी, कि उसको एक अच्छा रिजल्ट नज़र आए सिनेमा में या टेलीविज़न में, जो ऑडियंस उसको सराहे। सराहना से बड़ी दौलत एक कलाकार के लिए कोई नहीं होती। ये समंदर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, चाहे हम हो, चाहे शहबाज़ खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सब उस समंदर में अब तक कुछ ना कुछ तलाश करते रहे और वो समंदर हमेशा कुछ ना कुछ देता रहेगा। तो ये कहना कि हम आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, ये सवाल, इस सवाल का जवाब खुद यही है कि कोशिश चल रही है। एक कलाकार की जो प्यास है वो कभी बुझती नहीं है, तो किसी न किसी तरह कोशिश की जा रही है कि उस समंदर में से कुछ और निकाला जाए, उस समंदर का कुछ और हिस्सा बन के सामने आया जाए। तो हम सब कलाकार, अदाकार, चाहे बड़े हों, छोटे हों, हमसे नए हों, पुराने हों, सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारा काम और हम जो कहना चाहते हैं समाज को, वो किसी तरह लोग एक्सेप्ट कर लें और हमारे काम को दाद मिले। सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे बस, इतना कोई लंबा तो रखने वाला है नहीं। आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं कि फिल्म में पहली मूवी है आपकी जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने बेटे को ही लॉन्च कर रहे हैं आप उसमें? नहीं, इसमें बहुत सारे स्टार भी हैं ना, बेटे को भी लॉन्च किया है, लखवी अजमा रहे, सारी चीज़ें हैं, शहबाज खान जी हैं, इंद्र कुमार जी हैं और दीपशिका जी हैं और सुदेश बैरी हैं, सुधा चंद्रा हैं, तुनिष्का शर्मा हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मार्केट के। लाइक आई वॉज रियली शॉक, लाइक आई थिंक दैट इट वॉज नॉट, नो आई विल जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉज नॉट लाइक आई वॉज शॉक, लाइक आई हैव द मेन कैरेक्टर इन दिस मूवी, so my dad said that I am making a movie for you, so I said okay, it would not be my main character, anybody else, so I thought it's so I asked him like कौन से टाइम पे मेरा होगा, तो उन्होंने बोला इंटरवल के, लाइक क्या बोलना, इंटरवल के थोड़ा पहले होगा जी। इस फिल्म में हमने एक अलग सब कुछ लिया है, अलग सब कुछ, ये हमारा पहला स्क्रिप्ट है, मेरा पहला काम है और मैं थैंक्स गॉड, मतलब भगवान को ये करूँगा कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें इतना बड़ा मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस स्क्रिप्ट को जहाँ बात किया जाए, जो कि अभी बॉलीवुड में जो फिल्में आती है उन सबसे हटके है, हमने कुछ जो सोचा है अलग दिखाने का, अलग करने का, उन सब मायनों में बहुत अलग है।